गांव से आए हैं, जमींदारों का बेटा हूं, हर काम किया खेती का। रंगला पंजाब जे बनाउणा उहदे वास्ते सेहतमंद पंजाब पहलां चाहीदा है। 96 तों 97% लोक जिहड़े ने ओह महल्ला क्लिनिक चों ठीक हो के घरे वापस चले जांदे ने। सरकारी हस्पतालां ते बर्डन बहुत घट गया। मोहल्ला क्लिनिक जिहड़ा बनिया होया उहदी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, उत्थे सब तरह दीआं फैसिलिटीज़ दित्तीआं होईआं सरकार वल्लों। 2 हफ्ते तो खंघ ने बहुत परेशान कराया था जी। मैं पहला बार प्राइवेट दवाई लैंदा रहा, फिर इत्थे आ के लती जी, टेस्ट फ्री होया, इत्थों मैं ठीक हो गया, हुण मैं ठीक हाँ बिल्कुल। शानदार मोहल्ला क्लीनिक है, सफाई है, और डॉक्टर उन्हां दी जिहड़ी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर 'च ऐड कर दिंदे ने, जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है, टोटल पेपरलैस है। मान साहब ने बहुत वधिया उपराला कीता, वधिया काम करिया सरकार ने, गरीबां दा भला करता। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਝਸੇ ਪੁੱਛਾ, आप बहुत ऊंचाई पर चले गए। मैंने कहा अच्छा जी, अब क्या करें फिर? कहते आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का, कहीं नीचे आ गए तो? मैंने कहा जी 30-30, 40-40 फुट गहराई वाले ट्यूबवेल के गड्ढों में से निकल के आए हैं, उससे नीचे तो पानी है ना। हमें गहराई से डर लगता है ना हमें ऊंचाई से डर लगता है, डर लगता है तो उस नीली छतरी वाले से लगता है, उस गुरु महाराज से लगता है कि वो अपनी अपार कृपा बनाए रखे, और किसी से डर नहीं लगता। पचहत्तर साल हो गए देश को आजाद हुए, 75 साल मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, शायद वो कोई 5 साल का होगा उस समय, कोई 7-8 साल का होगा जब देश आजाद हुआ था। 75 साल हो गए जी, क्या मिला इनको? वोट देते देते थक गए, ये वोट मांगते मांगते नहीं थके, खा गए देश को, अपनी कई पीढ़ियों का माल इकट्ठा कर लिया। 75 साल हो गए, अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं, और हम अभी सीवरेज के ढक्कनों में घुसे हुए हैं, सीवरेज के ढक्कन नहीं पूरे हो रहे हमसे। ये आजादी दी हमने तो शहीदों का, शहीदों की आत्मा भी तड़पती होगी कि इस काम के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, इश्फाकुल्ला, कितने शहीद हुए 22-22, 23-23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूम लिए देश के लिए, लेकिन क्या मिला देश में? ये गरीबी, अनपढ़ता, ये देखो ये सीपीएल वालों का जो लड़के बैठे हैं, ये उनका मेरे पास सारा चिट्ठा पड़ा है। ये मिला है हमें आजादी में, ये मिला है। क्या भगत सिंह ने ये सोचा था कि मेरे आने वाला यूथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा? इन लड़कों की उम्र क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की है? इनकी जिम्मेदारी पे देश होना चाहिए, इन कंधों पर देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन इनके कंधों पर सरकारी लाठी चार्ज के निशान है। शर्मानी चाहिए नेताओं को, ये मेरे पास पड़ा है सीपीएल वालों। अच्छा, ये कंप्यूटर के टेस्ट लेते हैं, टीचर के टेस्ट लेते हैं, फायर ब्रिगेड के टेस्ट लेते हैं, ये सीपीएल वाले बता देंगे। साथी हैं मेरे, युवा साथी हैं, ये बता दो किसी नेता के बेटे ने ये पेपर दिया?
किसी नेता का पे बेटा आपने बेरोजगार देखा? ना 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 ना, उनके तो पैदा होते ही चेयरमैन, उनके बेटे बेटियां पैदा होते ही मंत्री, पैदा होते ही विधायक। ये धक्के खाने के लिए ये मेरे देश के नौजवान रखे हुए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए